अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स। सबा कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो है हेयर ऑयल्स के हवाले से, ग्रे हेयर्स के हवाले से। 30 प्लस की एज हो या बिलो 30 हो, ग्रे हेयर्स का इशू जो है वो आजकल हर एज में ही आ रहा है। और ग्रे हेयर्स होने के साथ साथ हमें जो है वो फिक्र पड़ जाती है अपने बालों को फिर से कलर करने की, जिसके लिए हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स से भरे हुए हेयर डाइज, और जो कि मार्केट में काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं। और इनके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, जिससे हमारे बालों को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ना सिर्फ हमारे बाल डैमेज होते हैं बल्कि हमारी स्कैल्प भी डैमेज होती है, और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारी स्किन के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं और फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो डैमेज कर सकते हैं। खास तौर पर दी मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है वो है अमोनिया, और अमोनिया जो है वो ऑलमोस्ट तमाम ब्रांड्स के जो हेयर डाइज हैं सबके अंदर पाया जाता है। अमोनिया का काम बेसिकली ये है कि जो कलर है उसको वो अच्छे से हेयर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट करता है। हेयर क्यूटिकल्स के अंदर कलर की पेनिट्रेशन के लिए अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसलिए अमोनिया ऐड किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है अगर हम रेगुलर बेसिस पे केमिकल बेस्ड हेयर डाइज जो है वो यूज करते हैं, लो लाइट्स, हाई लाइट्स, स्ट्रीक्स करवाते हैं, या फिर हम अपने ग्रे हेयर्स के कवरेज के लिए सिंपल जो है वो अपने पूरे बालों को हेयर डाई करते हैं। लेकिन मकसद आज के वीडियो का आपको अवेयर करना है कि प्लीज बी केयरफुल, ये हार्मफुल जो केमिकल्स हैं ये आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं और इसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उन नुकसान की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे बेहतर मैं आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे सकती हूँ, यानी कि इस तरह के आप हेयर डाई यूज करें जो जिसके अंदर केमिकल ना हो और ऑर्गेनिक हो। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन पर मैं आपको दो ऑप्शन शो कर रही हूँ। ये हेना पाउडर है, यानी मेहंदी जो बालों के ऊपर लगाई जाती है, ये वो हेना पाउडर है जो कि आपके बालों का कलर अगर ब्लैक है तो फिर ये हेना पाउडर आपको ब्लैक कलर में भी मिल सकता है, ब्राउन कलर में भी मिल जाता है। अच्छा, ये है सईद गनी का हेना पाउडर, मेहंदी पाउडर, और ये मैंने ट्राई किए हुए हैं। इनमें से दो ऑप्शन है, एक के अंदर थोड़े बहुत केमिकल्स हैं और जो ये दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना हुआ है। यहाँ पर आपको लिस्ट भी नजर आ रही होगी इन्ग्रीडियंट्स की, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है, और ये मैं क्लोजअप भी आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इस तरह के जो बालों को डाई करने के लिए जो हेना पाउडर्स होते हैं केमिकल फ्री होते हैं, ये आपके बालों के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, आपके ग्रे हेयर्स के कवरेज के लिए भी अच्छे होते हैं, और प्लस इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो इसका तरीका भी इस्तेमाल का लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इसको 4 to 6 आवर्स के लिए आपने सोक करके रखना है पानी में, उसको पेस्ट बनाना है, और फिर उस पेस्ट को आप हेयर ब्रश के थ्रू अपने बालों को सेक्शन करके आपके जहां जहां ग्रे हेयर्स हैं आप वहां पर कवरेज कर सकते हैं, और तकरीबन कोई 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपके बालों का कलर जो है वो दोबारा से ब्लैक हो जाता है। ये ब्लैक मेहंदी है क्योंकि मेरे बाल ब्लैक हैं, तो मैं इसलिए हेयर डाई यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत पहले हेयर डाई यूज करने की वजह से मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे और मजीद ग्रे हेयर्स थे वो आने शुरू हो गए थे, बल्कि उनकी तादाद ज्यादा हो गई थी जब वो हेयर कलर उतरा था। तो इसके साइड इफेक्ट जो है वो आपको बहुत टाइम तक झेलने पड़ते हैं, आपके बाल जो है वो वापस से अपनी पहले वाली पोजिशन पर बहुत मुश्किल हो जाते हैं आना। इसीलिए इट्स बेटर टू अवॉइड केमिकल। स्टैंडर्ड जो हेयर डाइज हैं ये तो महंगे बहुत मिलते हैं, ये तकरीबन 1,000 से लेके 2,000, 3,000, 4,000 तक इनकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ जाती है, और प्लस इन पैसों में आप बालों का कलर तो खरीद रहे होते हैं लेकिन साथ साथ उनके साइड इफेक्ट्स भी आप परचेज कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप इस तरह के हेयर डाई यूज करें जो कि केमिकल फ्री हो और नेचुरल इंग्रेडिएंट से आप अपने बालों को डाई करें। और इसकी कीमत मैं बताऊं, अगर सईद गनी के हेना पाउडर है ये तकरीबन आपको 200 रुपए का ये एक बॉक्स मिल जाता है, और 200 रुपए का जो ये एक डब्बा है ये आपका काफी मरतबा चल जाता है, और इसको रिपर्चेज करना भी आसान इजिली मिल भी जाता है। ये सिर्फ सईद गनी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक ब्रांड्स होंगे जिनके पास जो हेना पाउडर होगा बालों के लिए, तो वो आप यूज कीजिए, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आइए, केमिकल फ्री चीजें यूज कीजिए, और अपनी इंटरनल हेल्थ को भी सेव कीजिए, बचाइए, और आपकी जो स्किन है, बाल हैं, उसको भी डैमेज होने से बचाइए। तो होपफुली आज की जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी होगी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दोस वीडियोस एज वेल। तो अब मैं करूंगी यहाँ पर वीडियो को एंड, और आपसे लूंगी इजाजत फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। हम जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।